नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से किया गया था, ये हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ, इन सब के बारे में चर्चा किए थे। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि उनके जानकारी का स्रोत क्या है, और जानकारी के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री के विवरण को हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विजयनगर साम्राज्य में आगे जो संगम वंश आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि दक्षिण भारत का राजनीतिक कंडीशन को हम लोग देख लें सबसे पहले कि उस समय दक्षिण भारत में कौन कौन से राज थे, किस प्रकार से संचालित किए जा रहे थे, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी हो सकता है कि लो हो, ठीक है, आवाज के माध्यम से जो मतलब आज पहली बार माइक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी कुछ मतलब गड़बड़ हो, लेकिन धीरे धीरे हम सुधार कर लेंगे। हाँ, लेकिन आपका लिखावट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, बोर्ड एकदम क्लीन दिखाई देगा आपका लिखा हुआ, ठीक है, हल्की सी क्वालिटी कम रहेगी लेकिन बाकी सारा चीज़ें ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, लाइटिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी सी मतलब कैमरा में आ रही है, तो फिर इसको हम ठीक कर लेंगे, ये माइक के वजह से हुआ है, ठीक है, तो फिर हम ठीक कर लेंगे इसको, तो आप लोग क्लास कीजिए। हाँ, लेकिन सारा चीज़ें समझ में आएगा और वीडियो आवाज़ ठीक रहेगा तो पढ़ने में भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पहले भारत के राजनीतिक, दक्षिण भारत के राजनीतिक कंडीशन को समझ लें कि किस प्रकार से दक्षिण भारत में राज्य का संचालन इस समय किया जा रहा था। चलिए, तो देखिए इस समय जो भारत में, जो दक्षिण भारत में राज्य था, तो आपको पता है दक्षिण भारत में तीन नदी है जो प्रमुख रूप से बड़ी नदी है, इसमें आपका ये है आपका गोदावरी नदी ना, उसके दक्षिण में गोदावरी के बाद कृष्णा नदी, और उसके दक्षिण में कावेरी नदी, ये तीन नदी है, ठीक है। गोदावरी के दक्षिण में, गोदावरी के दक्षिण में यहाँ पे हुआ करता था बहमनी राज्य की स्थापना किया गया ना। गोदावरी के दक्षिण में कौन सा राज्य की स्थापना हुआ, बहमनी राज्य की स्थापना हुआ, ठीक है। और ये जो आपका कृष्णा नदी है, कृष्णा की एक सहायिका है, ये कृष्णा नदी की एक सहायिका है तुंगभद्रा, ठीक है, कृष्णा नदी की एक सहायिका है तुंगभद्रा, इन दोनों के बीच में ये जो दोआब है, दो नदियों का बीच का क्षेत्र जो बहुत उपजाऊ होता है, इसको रायचूर का दोआब कहते हैं, इसको जो है रायचूर का दोआब के नाम से जाना जाता है। ये कौन सा नदी है, ये कृष्णा नदी और दक्षिण की तुंगभद्रा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दोआब का क्षेत्र है उसको रायचूर का दोआब कहा जाता है, ठीक है। और रायचूर के दोआब जो है इस बहमनी राज्य और इसके कृष्णा नदी के दक्षिण में यहाँ पे जो स्थापित हुआ कर्नाटक में, ये हुआ आपका विजयनगर राज्य, ठीक है, ये हुआ विजयनगर, इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य अगले लगभग 200 से 250 वर्षों तक इस रायचूर के दोआब के लिए जो है युद्ध करता रहेगा, और इसी को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहीं पर ये कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही एक यहाँ पे एक राज्य हुआ करता था यहाँ पे इसी समय, ठीक है, होयसल राज्य और होयसल राज्य का इस समय राजा था बल्लाल चतुर्थ, यहां का इस समय राजा था बल्लाल चतुर्थ यहां का राजा था इस समय, ठीक है। और दक्षिण में आपको पता है कि तीन राज्य हुआ करता था दक्षिण में ना, दक्षिण में ये केरल का क्षेत्रों में यहां पे आपका चेर, और दक्षिण में यहां पांड्य, और ये आपका चोल, ये तीन राजवंश हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेर वंश, चेर सबसे दक्षिण में पांड्य राजवंश और इसके ऊपर में चोल वंश, ठीक है। ये मध्यकाल तक ये तीनों राजवंश दिखाई देते हैं, प्राचीन काल से चर्चा भी किए थे आप लोगों को, ठीक है। ये उसके बाद इधर आपका यहाँ पे उड़ीसा में भी एक राजवंश था इस समय, उड़ीसा को जाजनगर कहा गया है, यहाँ पे उड़ीसा में जाजनगर यहाँ का भी राजा था,
ठीक है, और ये बार बार आक्रमण करेंगे इसके राज्यों पर, ठीक है। इस समय दक्षिण भारत का राजनीतिक कंडीशन कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे विजयनगर के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे विजयनगर राज्य के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि विजयनगर राज्य की जो है जानकारी के स्रोत को, आज हम लोग आगे चर्चा करते हैं। विजयनगर राज्य में चार राजवंशों ने शासन किया है, पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे, ठीक है। सबसे पहले उसमें आया कौन सा वंश? संगम वंश, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे विजयनगर राज्य में संगम वंश के बारे में, ठीक है। विजयनगर में जो सबसे पहला वंश आया संगम वंश, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे संगम वंश के बारे में, ठीक है। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन दोनों भाइयों ने किया था मिलकर के, ठीक है। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का, इन दो भाइयों ने जो है विजयनगर राज्य की नींव डाला था, ठीक है, हरिहर और बुक्का। और इसकी कहानी पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। देखिए हरिहर और बुक्का का पिता का नाम था संगम, पिता का क्या नाम था इसका? संगम। और इसने अपने पिता के नाम पे विजयनगर में जिस राज्य की नींव डाली उसको कहते हैं संगम वंश। तो इसने अपने पिता के नाम पे वंश का नींव डाला था संगम वंश। और संगम वंश का पहला जो शासक हुआ, इसमें जो आपका पहला शासक हुआ, ठीक है, पहला शासक कौन बना? हरिहर। हरिहर बड़ा भाई था, इसीलिए इसका पहला शासक कौन बना? हरिहर, हरिहर, ठीक है। और हरिहर का जो शासन काल है ये 1336 से 1354 तक इसने शासन किया, 1336 से 1354 तक इसने हरिहर ने शासन किया संगम वंश में, ठीक है। और बुक्का इसके सहायक के रूप में कार्य किए, ठीक है, बुक्का इसके सहायक के रूप में कार्य किया। जब हरिहर की मृत्यु हो जाएगी बड़े भाई का, तब बुक्का बाद में शासक बनेगा, ठीक है। और इसी समय उत्तर भारत में देखिए 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की नींव डाली गई थी, और बहमनी राज्य का 1346, कहीं कहीं 47 भी आता है, जस्ट 10 साल बाद, ठीक है। और ये दोनों राज्य हमेशा किसके लिए लड़ाई लड़ेंगे? रायचूर दुआब के लिए लड़ेंगे, ठीक है। दोनों अपनी वर्चस्वता को साबित करने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विजयनगर राज्य जो साम्राज्य में तब्दील हुआ, ये छोटे से राज्य कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। इसने अपनी राजधानी, सबसे पहले जो इसने राजधानी बनाई थी अनेंगुडी को बनाई थी, अनेंगुडी को। और बाद में इसने अपने हरिहर ने अपनी राजधानी कहां बनाई? इसने अपनी राजधानी, ये सब पूछा जाता है, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? अनेंगुडी, अनेंगुडी को। और बाद में अनेंगुडी सात वर्ष के बाद अनेंगुडी से राजधानी इसने बनाया विजयनगर को, विजयनगर को इसने बाद में 7 वर्ष बाद राजधानी बनाया विजयनगर को, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, एक बार देख लें वीडियो। चलिए ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। मुझे अकेला मतलब मैनेज करना पड़ता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी सब ठीक ठीक ठाक चल रहा है। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग मतलब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कुछ भाई लोग चर्चा कमेंट भी करते हैं कि आप अपना मतलब कि माइक में वर्क करो, ठीक है, मतलब इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो क्वालिटी ठीक मिले, कंटिन्यूअस क्लास चलते ही रहे, ठीक है। और पीसीएस से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की समस्या आप लोगों को न हो, ठीक है। चलिए तो राजधानी इसने अनेंगुडी को बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब विजयनगर साम्राज्य में एक योग्य शासक जब हरिहर शासक शासन में आया, तो ये एक योग्य शासक है, और योग्य शासक का यही कर्तव्य है कि वो अपना साम्राज्य का क्या करेगा? विस्तार करेगा, ठीक है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि इसने साम्राज्य का, विजयनगर के एक छोटे से राज्य को इसने साम्राज्य में तब्दील कर दिया, बहुत सारे भूभाग को इसने जीता भी, ठीक है। कहा जाता है कि 1346 ईस्वी में क्या हुआ, मदुरै, देखिए ये होयसल राज था, और होयसल यहाँ पे थोड़ा कहानी समझिएगा, होयसल राज का राजा था बल्लाल चतुर्थ, और बल्लाल चतुर्थ ने क्या किया, बल्लाल चतुर्थ ने पांड्य राज पर आक्रमण किया, पांड्य राज के मदुरै पर आक्रमण किया था इसने, पांड्य राज के मदुरै पर आक्रमण किया। जब ये मदुरै पर आक्रमण किया तो बल्लाल चतुर्थ इसमें पराजित हो गया और ये मारा गया।
बल्लाल चतुर्थ पराजित हो गया और बल्लाल चतुर्थ क्या हो गया, मारा गया। अब जब होयसल राज का राजा ही मारा गया तो इस स्थिति का फायदा उठाया किसने, हरिहर ने, ठीक है। और हरिहर ने क्या किया, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार होयसल राज तक कर दिया, यानी होयसल राज्य को इसने अपने अधीन ले लिया, ठीक है। और इस प्रकार सबसे बड़ी उपलब्धि हरिहर का रहा कि इसने जो है होयसल राज पे अपना विस्तार किया, उस पे अपना कब्जा किया, ठीक है। लेकिन होयसल राज के राजा बल्लाल चतुर्थ मारा गया था पांड्य राज्यों से युद्ध करने में, मदुरई को जीतने गया था उसी में ये मारा गया था, ठीक है। और यहाँ का राजा जब मारा गया तो मतलब कि होयसल राज पे विजयनगर के राज्यों ने क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही इसकी, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि जब दक्षिण में विजयनगर राज जो है खूब बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही थी, दक्षिण को एक एक छोटे छोटे राज्यों को जब जीत रहा था तो इस चीज को ये सहन नहीं कर पा रहा था बहमनी राज्य के शासक, ठीक है। बहमनी राज्य के शासक जो है इस चीज को सहन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो पूरे दक्षिण को कंट्रोल कर लेगा तो रायचूर का दुआब भी हमारे हाथों से छीना जाएगा, यानी पूरे दक्षिण को कंट्रोल करेगा फिर उत्तर में वो आक्रमण करेगा और रायचूर का दुआब को भी वो क्या करेगा, जीत लेगा, ठीक है। और इसी कारण से होयसल राज्य के राजा ने क्या किया, बहमनी राज्य के राजा जो हुआ करते थे बहमन शाह, ठीक है, इसने जो है बहमन शाह ने क्या किया, ये जो है रायचूर के द्वार पर जो है कि आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। यानी कि देखिए, जब विजयनगर के राजा जो है हरिहर जब दक्षिण अभियान में था, दक्षिण को वो जीत रहा था एक एक करके, तो उस समय बहमनी राज्य के राजा था बहमन शाह, ठीक है। बहमन शाह को लगा कि यही मौका है किसमें कब्जा करने का, रायचूर के दुआब पर कब्जा करने का। तो उसने क्या किया, रायचूर के दुआब में बहुत सारे किले थे, उसमें से अधिकतर किलों पर इसने अधिकार कर लिया। इसी का फायदा उठा करके इस समय बहमनी राज्य के राजा ने रायचूर के दुआब पर क्या किया, कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया। और ये देखिए, जब रायचूर के दुआब पे कब्जा कर लिया दोस्तों, तो उपजाऊ भूमि है ये रायचूर का दुआब, दो नदियों का बीच का क्षेत्र है जो बहुत ही बेहद ही उपजाऊ होता है, ठीक है। और इस उपजाऊ भूमि के लिए, और हमेशा के लिए हम लोग देखे हैं भारत का इतिहास या दुनिया का इतिहास पढ़ के देख लीजिए, ठीक है, पूरी दुनिया में जहां भी सभ्यता का विकास हुआ हमेशा नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि वहां उपजाऊ भूमि होती है, वहां पे जो है सारी सुविधाएं मनुष्य के आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण से दुनिया की अधिकतर सभ्यताएं का विकास कहां हुआ, नदी घाटियों में हुआ है। चाहे आप नील नदी की सभ्यता को देख लीजिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लीजिए, चीन की सभ्यता को देख लीजिए, रोम की सभ्यता को देखिए, हड़प्पा सभ्यता को देखिए, ठीक है, और मगध का चाहे उत्कर्ष को देखिए, ये सब के सब नदी घाटियों में पुष्पित और पल्लवित हुआ है, ठीक है। और उसी तरीके से ये उपजाऊ क्षेत्र का इंपॉर्टेंस जो राजा समझ जाता था, ठीक है, वो उस पर हमेशा अधिकार करने का प्रयास करता था, क्योंकि उस समय राजकोष का मुख्य आधार क्या था, कृषि था, ठीक है। आय का प्रमुख आधार क्या था, कृषि था। कृषि जो किसान करता था उसी से जो टैक्स वसूला जाता था वही प्रमुख आधार था, और जिस क्षेत्र में अधिक उपज होता था वो क्षेत्र समृद्ध होता था। मगध साम्राज्य को आप देख लीजिए, गंगा नदियों के दुआबों में पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण से वहां के राजा जो है अधिक समृद्ध हुए, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीजें दिखाई देती है, ठीक है। रायचूर का दुआब पर बहमनी राज्य के शासक बहमन शाह ने क्या किया, अधिकार कर लिया, ठीक है। और जब ये अधिकार किया तो इस अधिकार को लेकर के फिर विजयनगर साम्राज्य भी रायचूर के दुआब को लेकर के, ठीक है, युद्ध करेगा, और यही युद्ध अगले लगभग 200 वर्षों तक चलता रहेगा, ठीक है। अगले 200 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एक बेस मतलब कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ, हरिहर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसने होयसल राज्य पे कब्जा किया और इसने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, अनेंगुडी को बनाया, ठीक है, यही इसकी उपलब्धि है, ठीक है। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है इसका भाई जो है बुक्का शासक बनता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बुक्का को समझते हैं, अब इसको मिटा दें। देखिए, अब दक्षिण में आप लोगों को दो राज्य को बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है। अब दक्षिण में दो ही राज्य को हम बनाते हैं और उसी को समझना है,
देखिए दक्षिण के दो राज्यों को समझिए, ये देखिए, तो इसमें से आपका ये हो जाएगा गोदावरी नदी, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, और दक्षिण में कावेरी नदी, ठीक है। ये तीन नदी है, ये आपका द्वाब है, रायचूर का द्वाब, ठीक है, ये रायचूर का द्वाब है, ये रायचूर का द्वाब है, और उत्तर में यहाँ पे है आपका बहमनी राज्य, और दक्षिण में यहाँ पे है विजयनगर, विजयनगर, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण में चेर, पांड और चोल वंश, और इधर आपका, इधर आपका उड़ीसा है, उड़ीसा जिसको जाजनगर कहा गया, जाजनगर, ठीक है ये। अब देखिए, अब बहमनी राज्य के शासक ने क्या किया है, रायचूर के द्वाब पे कब्जा कर लिया है, ठीक है, और विजयनगर राज्य में हरिहर की मृत्यु हो चुकी है। अब शासक कौन बना, बुक्का, और बुक्का का जो शासन काल है ये 1354 से 1377 ईस्वी तक बुक्का शासन में रहा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं बुक्का के बारे में, बुक्का का शासन काल 1354 से 1376 तक ये शासन, 77 तक ये शासन में रहा, ठीक है, 1354 से 1377 तक इसका शासन काल रहा बुक्का का। अब देखिए बुक्का की उपलब्धि क्या है, ठीक है, सबसे पहले इनकी उपाधि का चर्चा कर लें, तो इसकी जो उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठान, एक उपाधि है इसका वेद मार्ग प्रतिष्ठान, दूसरी उपाधि है तीनों समुद्रों का स्वामी। तो देखिए इनकी उपाधि है, इनकी उपाधि, एक उपाधि है वेद मार्ग प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान, दूसरी उपाधि है तीनों समुद्रों का स्वामी, तीनों समुद्रों का स्वामी, इसका मतलब क्या है दोस्तों, तीनों समुद्रों का स्वामी। देखिए तीनों समुद्रों का स्वामी का मतलब क्या हो गया कि देखिए इसका भारत के आपका पश्चिम में कौन सा है, ये अरब सागर, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, और पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी, यानी कि इसने जो है कहीं न कहीं तीनों समुद्रों तक अपनी सीमा का विस्तार किया होगा ना, तीनों समुद्र, इसका मतलब है कि इसने जो है पूरे दक्षिण भारत को, इसने लगभग रायचूर के द्वाब से दक्षिण तक इसने पूरे भारत को इसने जीता होगा ना, मतलब रायचूर का द्वाब का पूरा दक्षिण में दोस्तों, दक्षिण भारत को इसने जीता होगा, इसीलिए इसको तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया है, क्योंकि इसने तीनों समुद्रों तक अपनी सीमा का विस्तार किया होगा, ठीक है, इसीलिए इसकी उपाधि क्या आता है, तीनों समुद्रों का स्वामी, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है कि बुक्का, बुक्का एक महान योद्धा भी था दोस्तों, एक महान बेहतर योद्धा था, और एक राजनीतिक भी था, और विद्या का बहुत बड़ा प्रेमी था, ये शिक्षा का बहुत मतलब प्रेमी था, शिक्षा का बहुत सम्मान करता था, ठीक है, तो ये शिक्षा का बहुत प्रेमी था, ठीक है, एक राजनीतिक भी था और एक बेहतर योद्धा भी था, इसीलिए, और इसके समय कहा जाता है कि मदुरई पर हासिल कर इसने जो है अपना मतलब कि विजयनगर में मिला लिया था, यानी कि मदुरई जो है पड़ता है तमिलनाडु में, यानी तमिलनाडु का मतलब उस समय का, वर्तमान का, उस समय का, ठीक है, तत्काल का जो उस समय था, वहां पे उस समय पांड्य राज्य था, तो पांड्य राज्य में पड़ता है मदुरई, मदुरई को भी उसने जीता था, मदुरई को भी इसने जीता था, इसीलिए तो इसकी उपाधि आता है तीनों समुद्रों का स्वामी, ठीक है, इसका मतलब इसने मदुरई को जीता था, ठीक है, और मदुरई को जीत करके इसने अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। और कहा जाता है कि 1374 में, 1374 में, 1374 में इसने जो है अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था, ठीक है, चीन में अपना दूत मंडल भेजा था, चीन में दूत मंडल भेजा था। देखिए जब इसने क्या किया होगा, देखिए इसको, देखिए जब ये पूरे दक्षिण भारत को जीता होगा, ठीक है, कृष्णा नदी के दक्षिण के भाग को तीनों समुद्रों तक अपना विस्तार किया होगा, तो ये अपना व्यापार करने के लिए, समुद्री मार्गों से व्यापार करने के लिए चीन में दूत मंडल भेजा था, दूत मंडल मतलब कई सारे लोगों को सामूहिक रूप से एक साथ भेजा था चीन, ठीक है, कहीं कहीं इसकी ये समृद्धि को दर्शाता है कि कहीं कहीं विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णा नदी के दक्षिण के पूरे क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल में लिया होगा न, इसीलिए तो डायरेक्ट ये समुद्र से जो है अपना व्यापार के लिए दूत मंडल भेज रहा है, इसकी समृद्धि इससे पता चलता है, ठीक है, इससे जो है इसकी समृद्धि का पता चलता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है
उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद हरिहर द्वितीय शासन में आया। ठीक है, हरिहर द्वितीय शासन में आया, जो हरिहर का ही पुत्र था। एक सेकंड दोस्तों, देखिए उसके बाद शासन में कौन आया, हरिहर द्वितीय। देखिए तो संगम वंश में अगला शासक आया, संगम वंश में अगला शासक आया हरिहर द्वितीय, हरिहर द्वितीय। ठीक है, देखिए जो हरिहर द्वितीय है इसका शासन, सॉरी बुक्का द्वितीय, सॉरी दोस्तों बुक्का का पुत्र था, बुक्का का द्वितीय। बुक्का द्वितीय, और बुक्का द्वितीय का शासन काल 1377 ईस्वी में इसने अपना शासन स्टार्ट किया था। बुक्का नहीं, नहीं दोस्तों गलती हो रहा है, यहाँ पहले हरिहर द्वितीय आया है, सॉरी हरिहर द्वितीय आया है, हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय का शासन काल 1377 से लेकर के 1405 ईस्वी तक है, 1405 ईस्वी तक है यह हरिहर द्वितीय का शासनकाल। ठीक है, हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1405 ईस्वी तक है एकदम। देखिए विजयनगर साम्राज्य को ठीक से पढ़िएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक एक चीज़ों को आप लोग नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को नोट्स भी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है प्रतिदिन। ठीक है, पिछले क्लास का भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को देखिए, उसका नोट्स बनाइए, और जो नोट्स मिल जाता है, जो पीडीएफ मिल जाता है उसको मतलब लिख लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें वीडियो में एक्स्ट्रा बताया जाता है क्योंकि हमेशा संशोधन किया जाता है, तो आप लोग नोट्स में जो है एक्स्ट्रा चीज़ों को संशोधित कर लेंगे। ठीक है, और कहीं मतलब अधिकतर मतलब जो है आपको विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में बहुत कम चर्चा मिलता है, 3-4 बुक से संकलित करके आप लोगों को यहाँ पे चर्चा करते हैं, इसीलिए आप लोग इन चीजों को नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बहुमूल्य होता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन की प्रवृत्ति हमेशा बनी हुई रहती है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए बुक्का मतलब शासन में आया। ठीक है, सॉरी हरिहर द्वितीय शासन में आया, इसका शासन काल 1377 से 1405। ठीक है, अब देखिए इसने कहा जाता है, इसके बारे में कहा जाता है इसने अपनी उपाधि महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण किया था। इसने अपनी उपाधि कौन सा ग्रहण किया था, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, जो सामंत नहीं होता है दोस्तों, जो स्वतंत्र शासक होता है। ठीक है, जिसके अंदर सॉवरेंटी होती है, यानी संप्रभुता होता है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने का। ठीक है, और ये किसी का सामंत नहीं होता था, तो हम लोग पहले ही चर्चा किए थे कि वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता था, और जो छोटे राजा होता था वो महाराजा की उपाधि धारण करता था। ठीक है, तो इसने अपनी उपाधि महाराजा धीराज मतलब की मतलब लिया है, इसका मतलब है कि इसका साम्राज्य कहीं ना कहीं मतलब तीनों समुद्रों को छू रहा है, और बड़ी सी क्षेत्र में इसने ये शासन किया है। ठीक है, इसलिए इसने अपनी उपाधि क्या लिया है, महाराजा धीराज। ठीक है, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों, इसने लंका के राजा से भी कर वसूल किया था। आपको पता है कि दक्षिण में है श्रीलंका, ठीक है, ये आपका दक्षिण में है श्रीलंका, जहाँ के रावण थे। ठीक है, श्रीलंका कहा जाता है कि इसने यहाँ के भी राजा से जो है, यहाँ के राजा से कर वसूल किया था। ठीक है, टैक्स वसूला था, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बेहद ही योग्य राजा था। ठीक है, इसने लंका के भी राजा से टैक्स वसूला था। और अब देखिए क्वेश्चन की प्रवृत्ति चेंज हो रही है, इसीलिए आप लोग एक एक चीज़ों को बारीकियों में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बारीकियों में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और एक एक चीज़ों पे मतलब कि एक एक चीज़ों को नोट कीजिएगा। अब पीसीएस में चाहे बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, या यूपी पीसीएस का दीजिए, या राजस्थान का दीजिए, ठीक है, कहीं का भी दीजिए, उसमें हिस्ट्री से जो क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री से तो हर स्टेट पीसीएस में बेहतर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग मतलब हिस्ट्री में ज़्यादा तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, आप राजस्थान पीसीएस देंगे तो उसमें 50% हिस्ट्री रहता है, 50%,
जिसका हिस्ट्री मजबूत है, राजस्थान पीसीएस को वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग कॉमन तरीके से, मैं कई बार चर्चा किया हूँ कि आप लोग कॉमन तरीके से पीसीएस में ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। तो इसने अपनी उपाधि क्या धारण किया था, महाराजा धीराज, और इसने श्रीलंका के राजा से भी टैक्स वसूल किया था, ठीक है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि बहमनी शासक इस समय था फिरोज शाह, इस समय बहमनी शासक कौन था, फिरोज शाह था, फिरोज शाह, इस समय बहमनी शासक था फिरोज शाह, ठीक है। ये फिरोज शाह से ये इसने युद्ध किया था, और जिसमें युद्ध जब किया था हरिहर द्वितीय, तो ये पराजित हो गया था, ठीक है। जब पहली बार ये महाराजा धीराज बड़ा सा राजा था, ठीक है, बड़े से क्षेत्रों में शासन कर रहा था, और जब बहमनी साम्राज्य से जब ये पराजित हो गया, तब इसको पहली बार लगा कि बहमनी साम्राज्य भी बहुत समृद्ध है, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा ताकतवर शासक है, और उससे लड़ाई लड़ने के लिए, कहते हैं दोस्तों जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें धरती पर जीने के लिए सिखाता है, वो हमें बताता है कि हम भी धरती पर कैसे जिए। इसलिए कभी कभी ज़िंदगी में मतलब नाकामयाब होना भी बहुत ज़रूरी होता है, सफल होने के लिए असफल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही असफलता हमें सफलता की राह को बतलाता है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, हमें और कितना कठिन परिश्रम करना चाहिए, वो असफलता से ही सीखने को मिलता है। और जब जब मनुष्य असफल होता है तो एक नई मतलब राह को ले पाता है, और एक नई प्रेरणा को उससे लेता है, ठीक है। इसीलिए असफलता का मतलब ही होता है, अगर जीवन में कभी असफल हो तो नाराज नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही असफलता हमें सफलता की राह को बताता है, ठीक है। जिंदगी में असफल वही व्यक्ति होता है दोस्तों, युद्ध के मैदान में वही हारता है जो युद्ध के मैदान में भाग लेता है, और जो युद्ध के मैदान में भाग ही नहीं लेगा वो कहाँ से पराजित होगा, ठीक है। आप इतिहास उल्टा करके देखिए, ठीक है, आप लोगों को पूरा प्राचीन काल पढ़ा चुके हैं, जो राजा या जो योद्धा सबसे अधिक युद्ध करता था वही सबसे योग्य कहलाता था, और उसी ने सबसे अधिक क्षेत्रों में शासन भी किया, ठीक है, उसी ने सबसे अधिक क्षेत्रों पे शासन भी किया। तो उसी प्रकार से जब ये पहली बार हारा, इसको इनको लग रहा था कि मैं महाराजा धीराज हूँ, मैं पूरे दक्षिण भारत में शासन कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन जब इसको पहली बार, ठीक है, बहमनी राज्य के शासक फिरोज शाह ने पराजित किया, तब इसको लगा कि नहीं, बहमनी राज्य भी एक समृद्ध राज्य है, उसको भी पराजित करने के लिए कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तब इसने कहा जाता है अपनी सेना में बहुत सारे तीरंदाजों को, बहुत सारे मुसलमानों को, ठीक है, पहली बार इसने मुसलमानों को भी अपनी सेना में शामिल किया, ठीक है, बहुत सारे तीरंदाजों को, बहुत सारे मुसलमानों को भी अपने सेना में शामिल किया इसने, ठीक है, और इसने अपनी बड़ी सेना का निर्माण किया, ठीक है, बड़ी सेना का निर्माण किया, ठीक है। तो इसीलिए, और उसके बाद जा करके सेना को इसने मजबूत किया, ठीक है। और ये सारी उपलब्धि हरिहर द्वित के बारे में आता है दोस्तों, ठीक है, ये सारी उपलब्धि हरिहर द्वित का है, ठीक है, हरिहर द्वित का है। और हरिहर द्वित के बाद शासन में आया देवराय प्रथम, ठीक है, हरिहर द्वित के बाद शासन में कौन आया, देवराय प्रथम। तो अब शासन में आया देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम का जो शासन काल है, ठीक है, देवराय प्रथम का शासन 1405 से 1422 तक इसने शासन किया, 1405 से 1422 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक है, 1405 से 1422 तक, ठीक है। अब देखिए इसकी उपलब्धि क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है देवराय प्रथम का, ठीक है, देवराय प्रथम का क्या उपलब्धि है। कहा जाता है एक सेकेंड दोस्तों, हाँ चलिए, कहा जाता है कि देवराय प्रथम जब शासन में आया था, ठीक है, तो इससे पहले जब हरिहर द्वित आया तो उसने अपनी सेना को बढ़ाया, सेना को मजबूत किया, और जब देवराय प्रथम शासन में आया तो इसके समय बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच में संघर्ष जो है और अधिक होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, और तेज हो गया था। और बहमनी राज्य से जब संघर्ष तेज हो गया तो इसी समय क्या हो गया, विजयनगर का एक सामंत था, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कोंडबिंदु,
कौन बिंदु मतलब कि इसको सलाह दिया कि फिरोज शाह ने सलाह देकर के उसने बगावत फैला दिया, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो कुछ क्षेत्र था जो विजयनगर राज्य में था, यहाँ यहाँ पे पड़ता है आपका कौन बिंदु, इधर यहाँ पे कौन बिंदु, ठीक है कौन बिंदु। तो बहमनी शासक ने क्या किया, कौन बिंदु को उकसा दिया, कुंड बिंदु को उकसा दिया और कुंड बिंदु को उकसा करके विजयनगर के खिलाफ ही बगावत करने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। लेकिन देव राय प्रथम भी हारने वाला नहीं था दोस्तों, इसने उस बगावत को बेखबू मतलब बखूबी से लड़ाई लड़ा ठीक तरीके से, ठीक है। और इसको जो बहमनी राज्य का जो बहमनी शासक था उसकी जो चालाकी को कहीं ना कहीं असफल कर दिया, ठीक है असफल कर दिया। अब देखिए और कहा जाता है देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा में बांध बना करके, ठीक है बांध बना करके विजयनगर के लिए नहर निकलवाया था, ये ध्यान में रखिएगा। इसने देवराय ने क्या किया था, ठीक है यहाँ तुंगभद्रा नदी में एक बांध बनाया था, ये दक्षिण ये वाला नदी है तुंगभद्रा, तो इसने तुंगभद्रा नदी पर जो है इसने बांध बना करके, ठीक है विजयनगर राज्य के लिए नहर का निर्माण किया था, ठीक है विजयनगर राज्य के लिए क्या किया था नहर, यानी कि नदी है, ठीक है नदी है, नदी में यहाँ बड़ा सा बांध बना दिया, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया और इससे बहुत सिंचाई के लिए क्या किया नहर का निर्माण कर दिया, ठीक है तो सिंचाई के लिए इसने नहर का निर्माण किया था, ठीक है। और देव राय प्रथम के समय एक विदेशी यात्री आया था निकोलो कोंटी, ठीक है आया था और ये इतावली था, इतावली का मतलब इटली का रहने वाला था, इसके समय कौन आया था निकोलो कोंटी, ये विदेशी यात्री को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है यहां से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। निकोलो कोंटी इसके समय आया था और निकोलो कोंटी कहाँ का रहने वाला था, ये इतावली था, इतावली का मतलब इटली का रहने वाला था ये, ठीक है इटली का था। और इसने क्या क्या चर्चा किया है, इसने जब इतावली का रहने वाला निकोलो कोंटी भारत आया था तो कहा जाता है उस समय यहाँ दक्षिण भारत में धूमधाम से दिवाली पर मनाया जा रहा था, ठीक है और नवरात्रि पर्व आपको पता है कि दुर्गा पूजा के बाद जस्ट बाद दिवाली होता है और दिवाली के बाद छठ पर्व होता है भारत में ना, तो जब ये आया था तो उस समय दुर्गा पूजा का समय था और दुर्गा पूजा में पता है कि नवरात्रि होता है 9 दिन ना, दुर्गा माँ का पूजा किया जाता है तो इसने और धूमधाम से होता है हिंदुस्तान में ना, तो इस समय आया था तो इस समय दुर्गा पूजा का समय था और उस समय नवरात्रि पर्व धूमधाम से हो रहा था, तो उसकी नवरात्रि की चर्चा इसने किया है, इसने जो है नवरात्रि की चर्चा किया है और इसने कहा है कि यहाँ के लोग, ठीक है नवरात्रि करते हैं धूमधाम तरीके से और नवरात्रि के जो अंतिम दिन है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं का वध किया गया, ठीक है यानी कि हम लोग जानते हैं नवरात्रि के जो 9वें दिन होते हैं दुर्गा माता को पाठा चढ़ाया जाता है ना, हिंदुस्तान में प्रचलन है, उस समय भारत में लाखों करोड़ों जो है कि वो जो मतलब ये पशुओं को बलि दी जाती है, तो उसकी चर्चा ये बखूबी करते हैं। इसने ये भी चर्चा किया है दिवाली का, आपको पता है दुर्गा पूजा के जस्ट कुछ दिन बाद दिवाली होती है, ठीक है दिवाली होती है, तो इसने दिवाली का भी चर्चा किया है कि भारत में दिवाली और नवरात्रि धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, ठीक है तो इसने जो है भारत में होने वाले दिवाली और नवरात्रि पर्व का बेहद उल्लेख किया है, ठीक है इसी के समय आया था, तो ठीक है इसके बाद कहा जाता है हरिहर द्वित के समय एक चीज बताना हम भूल गए दोस्तों, उसी का एक दरबारी कवि था श्रीनाथ, ठीक है श्रीनाथ हरिहर द्वित का एक दरबारी कवि था श्रीनाथ, ठीक है इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसी का दरबारी कवि था श्रीनाथ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वहाँ बताना भूल गए, ठीक है। और थोड़ा सा हम कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि श्री मतलब कि हरिहर द्वित का या देवराय प्रथम का प्रधानमंत्री था साधना चायरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है शायद हरिहर द्वित का ही प्रधानमंत्री था, ठीक है प्रधानमंत्री उस समय सलाहकार होता था जिसको वजीर भी कहा जाता था प्रधानमंत्री को, साधना चायरी, थोड़ा सा ये आप लोग गूगल में सर्च मार लीजिएगा कि साधना चायर हरिहर द्वित का प्रधानमंत्री था या देवराय प्रथम का था, ठीक है
आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा हम कंफ्यूज है इसी दोनों में किसी का, लेकिन कंफर्म है कि हरिहर द्वित का ही है, ठीक है, कंफर्म है कि हरिहर द्वित का ही है, लेकिन आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमें। चलिए उसके बाद देवराय प्रथम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि निकोलो कोंटी आया था, ठीक है, निकोलो कोंटी आया था। अब देखिए उसके बाद देवराय प्रथम के बाद विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक आया, सबसे प्रतापी शासक बना देवराय द्वितीय, ठीक है, सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय बना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य के महान शासक देवराय द्वितीय के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो संगम वंश में देवराय द्वितीय, देखिए जो देवराय द्वितीय है, ठीक है, देवराय द्वितीय के बारे में कहा जाता है, जब ये शासन में आया तो सबसे पहले इसने कोंड बिंदु के जो बागी सामंत था उसका इसने दमन किया, ठीक है, और अपने सीमा का प्रसार इसने कृष्णा की उपजाऊ भूमि घाटियों तक किया। यानी कि आपको अभी चर्चा किए कि ये जो आपका कोंड बिंदु है, कोंड बिंदु के जो सामंत, यानी कि विजयनगर राज्य का सामंत था कोंड बिंदु के राजा, ठीक है, उसने विद्रोह किया था बहमनी राज्य के कहने पर, और उसके विद्रोह को पहले इसने दबाया, और उसके बाद इन सारे के सारे जो उपजाऊ क्षेत्र, आपको पता है कि भारत के, देखिए अगर हम दक्षिण भारत को हम चर्चा करें, थोड़ा सा बता दें दोस्तों, ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि ये गुजरात का तट से लेकर के गोवा के तट को हम लोग कहते हैं कोकण तट, क्या कहते हैं, कोकण, और गोवा से लेकर के दक्षिण केरल तक हम लोग कहते हैं मालाबार तट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको कोरोमंडल तट, ये कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु से लेकर के यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश की सीमा तक है, आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरे उड़ीसा तक को हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार, क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। देखिए ये जो कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार का जो तटवर्ती इलाका है, इधर से जितनी भी नदियाँ आती है, ये गोदावरी नदी रहे या कृष्णा रहे या कावेरी नदी रहे, इन तीनों नदियों आ करके यहाँ पे बड़ी सी डेल्टा का निर्माण करता है, ये बड़ी सी डेल्टा का निर्माण करता है, जिसके कारण से पूरब में जो पूर्वी घाट का यहाँ पे बड़ी सी मैदान का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पूर्वी घाट का मैदान कहते हैं, अब पश्चिम में पश्चिमी घाट का मैदान कहते हैं, और ये पूर्वी घाट का मैदान पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक चौड़ा है, और ये बहुत उपजाऊ भूमि है, ये बहुत उपजाऊ भूमि है। जब ये देवराय द्वितीय शासन में आया तो इस पूरे के पूरे उपजाऊ भूमि पर अपना कब्जा जमाया, इन सभी घाटियों में, ठीक है, ये रायचूर का द्वाब, ये जो कृष्णा नदी के घाटी और दक्षिण में कावेरी नदी के घाटी और उसके जितने भी द्वाब का क्षेत्र है, जो डेल्टाई क्षेत्र है, उस उपजाऊ भूमि पर अपने इसने विस्तार किया, ठीक है, और सारे के सारे क्षेत्रों पर इसने अपना प्रत्यक्ष कंट्रोल किया, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश पर अपना कब्जा किया। उसके बाद कलिंग का इस समय जो जगपति नरेश था, कलिंग को जाजनगर कहा जाता है, यहाँ का शासक था जगपति नरेश, यानी जगपति का शासक, ठीक है, जगपति नरेश द्वारा दक्षिण अभियान ये बार बार कर रहा था, ये उड़ीसा का जो शासक था ये हमेशा दक्षिण की ओर अभियान चलाता था, दक्षिण में आक्रमण करता था ये तटवर्ती इलाका में, ठीक है, बार बार आक्रमण करता था, उसके आक्रमण को इसने विफल किया था, देवराय द्वित ने उसके आक्रमण को क्या किया था, विफल कर दिया था। और कहा जाता है कि देवराय द्वित के समय महाराष्ट्र को छोड़ करके पूरे के पूरे दक्षिण भारत पर, यानी पश्चिमी दक्कन का जो महाराष्ट्र का इलाका है उसको छोड़ के लगभग पूरे दक्षिण भारत को इसने जीता था, ठीक है, लगभग पूरे दक्षिण भारत को इसने जीता था, ठीक है। और कहा जाता है, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा वीडियो क्वालिटी देख लें, चलिए ठीक ठाक ही चल रहा है, चलिए हाँ पूरे दक्षिण भारत को जीता। हाँ देवराय द्वितीय के समय में ही फारस का, यानी कि फारस कहें तो
फारस का है तो ईरान का, ठीक है। अब देवराय द्वित के समय की जो बड़ी उपलब्धि है, यानी विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक के रूप में इसको जाना जाता है। आखिर क्यों, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसी के समय एक विदेशी यात्री आया था, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, हम चर्चा भी किए हैं। तो इसी के दरबार में आया था अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक आया था, ठीक है, विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है इसी के दरबार में आया था, जो कहाँ का रहने वाला था, ये फारस का रहने वाला था। फारस का मतलब ईरान का रहने वाला था। और जब ये फारस का रहने वाला व्यक्ति अब्दुल रज्जाक आया, तो इसने विजयनगर साम्राज्य में क्या क्या देखा, और जो जो चीजें देखा उसकी इसने बेहद तारीफ किया है। कोई विदेशी अगर आपका तारीफ करता है दोस्तों, इसका मतलब वास्तविक रूप से वो चीजें धरातल पे रहा होगा, ठीक है। और देवराय द्वित के समय आया अब्दुल रज्जाक, क्या क्या बताता है विजयनगर के बारे में। इसने विजयनगर की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि विजयनगर के बाजारों में, यानी विजयनगर के, इसने विजयनगर की मतलब यहाँ के प्रशासन सिस्टम का बहुत बेहद किया, मतलब तारीफ किया है। इसने कहा है कि विजयनगर के बाजारों में जो है खुले में हीरा, सोना, चांदी, मोती, ठीक है, आदि जितने भी जवाहरात हैं वो खुले बाजारों में बिकते हैं, ठीक है। चांदी, जितने भी कीमती जवाहरात हैं, जितने भी आभूषण हैं, वो खुले दुकानों में, खुले बाजारों में बिकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि प्रशासन सिस्टम बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहा होगा, प्रशासन जो है बहुत ही चुस्त रहा होगा ना, कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता होगा, क्योंकि प्रशासनिक सिस्टम बेहतर तरीके से था इसका। और इसका अब्दुल रज्जाक इसका प्रशासन का बेहद तारीफ करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और देवराय की सेना में इसने अब्दुल रज्जाक ने क्या क्या कहा है, अब्दुल रज्जाक आगे कहते हैं कि देवराय की सेना में मुसलमान सैनिक भी भर्ती किए गए हैं, और उन्हें भी राजा की ओर से जागीर मिलती है। ये आगे कहते हैं कि जो है देवराय की सेना में मुस्लिम सैनिक भी भर्ती किए गए हैं, ठीक है, मुसलमान सैनिक भी भर्ती किए गए हैं। और आगे कहते हैं इस सैनिक को राजा जागीर भी देते हैं, जागीर भी देते हैं, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जागीरदार भी इसको बनाते हैं, यानी कि सारे अधिकार है। और इसने आगे ये भी चर्चा किया है कि मुसलमानों को मस्जिद बनाने की छूट है, और ये अपना त्यौहार भी मनाया करते हैं, यानी कि ये लोग भी मस्जिद भी बनाते थे, ठीक है, मस्जिद भी बनाते थे और अपना त्यौहार भी मनाते थे। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात से ये पता चलता है कि राजा की नीति क्या है, सही सुनता की नीति है, ठीक है, सही सुनता की नीति है। इसका मतलब राजा खुद हिंदू है, लेकिन अदर मतलब कि कास्ट के मतलब कि अगर अदर रिलीजियन के लोगों को भी रहने का अधिकार दे रहा है, उसको सभी प्रकार का छूट दे रहा है। इसका मतलब राजा क्या है, सही सुनता की विचारधारा को रखता है। इससे राजा की विचारधारा पता चलता है, ठीक है, राजा की विचारधारा पता चलता है, ठीक है। और इसकी बातों से देखिए, उसके बाद देवराय के दरबार में नवरत्न भी रहा करते थे, ठीक है। नवरत्न का मतलब नौ गो बड़े बड़े क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्रों का, जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न थे ना, अबुल कलाम, हकीम, हुकाम, उलमुल्ला, दो प्याजा, अकबर, फैजी, तान सिंह, राजा मान सिंह, बीरबल था ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो मतलब कि उसी प्रकार से इसके भी दरबार में नवरत्न था, यानी कि नौ मतलब कि विषय के ज्ञाता रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञाता। उसी में एक था श्रीनाथ, ठीक है। तो इसके दरबार में नवरत्न भी रहता था, उसी में एक था श्रीनाथ, ठीक है। अब देखिए, हाँ, और इसके बारे में देवराय द्वित के बारे में एक पुर्तगाली व्यक्ति आया है, नूनी, ठीक है, एक पुर्तगाली व्यक्ति देवराय द्वित के समय के बारे में चर्चा करता है, नूनी। ये कहाँ का था, ये पुर्तगाल का था, ठीक है। और ये इसने क्या चर्चा किया है, तो इसको थोड़ा सा मैप में बता देते हैं दोस्तों, बेहतर रहेगा, इसकी चर्चा मैप में कर देते हैं। देखिए, तो नूनी क्या चर्चा करता है, नूनी लिखा है कि मतलब क्विलन मतलब केरल क्षेत्र, ठीक है, श्रीलंका, पुलिकट का मतलब आंध्र प्रदेश में जो पुलिकट झील है वहाँ की चर्चा किया है। उसके बाद पेंग यानी बर्मा, तेन सिरिम का मतलब मलाया, ठीक है, मलाया के राजा जो है देवराय द्वित को क्या करता है, टैक्स देता है,
थोड़ा इसको हम लोग मैप में चर्चा करें। देखिए अगर हम थोड़ा सा एशिया का मैप बनाएं, छोटा सा प्रयास करते हैं। देखिए एशिया का अगर हम मैप बनाते हैं, सॉरी मान लीजिए ये एशिया है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, ठीक है, ये आपका श्रीलंका, इधर आपका इंडोनेशिया, जावा द्वीप, यहाँ पे आपका ये है, यहाँ जापान है, होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकू, ये चार द्वीप मिला करके जापान, ठीक है, जापान है, ये फिलीपींस है, ठीक है, और इसी को, इस द्वीप को मलाया द्वीप कहा जाता है। इस द्वीप को क्या कहा जाता है? मलाया द्वीप, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखिए ये जो यहाँ पे आपका विजयनगर राज्य है, तो नूनी ने क्या कहा है, नूनी लिखता है, ये लिखा है कि क्विलिन, क्विलिन का मतलब केरल, यानी ये केरल, तो ये लिखता है क्विलिन, क्विलिन का मतलब केरल, ठीक है, ये वाला इलाका, ठीक है, तो उसके केरल को इसने क्विलिन कहा है। उसके बाद इसने लिखा है श्रीलंका, तो ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका, श्रीलंका। उसके बाद इसने लिखा है पुलिकट, पुलिकट का मतलब आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पे इधर लिख देते हैं पुलिकट, पुलिकट यानी आंध्र प्रदेश का इलाका, ठीक है, पुलिकट। उसके बाद इसने लिखा है पेंग, पेंगू मतलब बर्मा, यहाँ पे आपका देखिए ये हिंदुस्तान के बाद ये वाला इलाका क्या है, ये वाला बर्मा है, यहाँ पे ये बर्मा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेंगू लिखा है बर्मा को, पेंगू, ठीक है, पेंगू यानी कि बर्मा, पेंगू के राजा। उसके बाद लिखा है तेन सिरिम, तेन सिरिम, तेन सिरिम का मतलब मलाया, तेन सिरिम, तेन सिरिम मतलब मलाया। ये सारे के सारे राजा जो है किसको टैक्स देते हैं, ये सारे राजा विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय को ये सारे राजा टैक्स देते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विजयनगर का विस्तार आसपास के सभी द्वीपों पर भी हो चुका था, यहाँ के राजा इन द्वीपों पर भी अपना अधिकार किया था, और ये किस लिए किया होगा, तो विदेशी व्यापार करने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ना, तो इन सारे क्षेत्रों पर भी इसने अपना क्या किया, अधिकार किया, ठीक है, इन सारे क्षेत्रों पर इसने अपना अधिकार किया था, ठीक है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा देवराय की उपाधि की भी चर्चा कर ले, इसकी उपाधि क्या क्या है, इसकी उपाधि के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इनकी उपाधि, तो इनकी उपाधि क्या क्या है, ठीक है, तो इनकी उपाधि है इमादी देवराय, प्रोंध देवराय, महान देवराय, तो इनकी तीन उपाधि है, इमादी देवराय, दूसरी उपाधि है प्रोंध देवराय, प्रोंध देवराय, और तीसरी उपाधि है महान देवराय, इसकी तीन उपाधि है, ठीक है, ये तीनों उपाधि इनकी है, ठीक है, और ये सारे के सारे मतलब कि उपलब्धि किनकी है, तो देवराय द्वित की ये सारा उपलब्धि है, ठीक है, देवराय द्वित की ये सारा उपलब्धि है, ठीक है। चलिए और देवराय द्वित के बाद अगला शासक कौन बना, अगला शासक बना मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन का उल्लेख आता है 1446 में, अगला शासक बना मल्लिकार्जुन, और ये शासक इसका उल्लेख आता है 1446 में, ठीक है, मल्लिकार्जुन का उल्लेख आता है 1446 में, ठीक है। और मल्लिकार्जुन भी जो है ये देवराय प्रथम का पुत्र था, इसीलिए इसने भी अपनी उपाधि जो है प्रोंध देवराय रखा था, ठीक है, इसने भी अपनी उपाधि क्या रखा था, प्रोंध देवराय,
प्रबंध देव राय, ठीक है, अपने पिता की तरह। लेकिन कहा जाता है जब यह शासक बना तो इसके समय विजयनगर का जो संगम वंश था उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। ये उतने योग्य शासक नहीं था और उतना बड़ा, जितना बड़ा क्षेत्र को हम अभी चर्चा किए, उतने बड़े क्षेत्र में शासन करने योग्य ये शासक नहीं था। बड़े से क्षेत्र पर कब्जा हो चुका था लेकिन शासक योग्य नहीं रहने के कारण जो है उतनी बड़ी उपलब्धि को वो हासिल नहीं, संभाल नहीं पाता था, ठीक है। तो इसके समय में संगम वंश का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। और उड़ीसा की ओर से जो जगपति नरेश था इस समय कपिलेश्वर, ठीक है, तो इस समय जो है देखिए यहां आपका उड़ीसा, उड़ीसा का जगपति नरेश, जगपति शासक था कपिलेश्वर, कपिलेश्वर एक तो बड़ा सा भूभाग में विजयनगर के राजा मतलब कब्जा कर चुके हैं, प्लस में ये योग्य शासक है नहीं, ठीक है, और इतने बड़े क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहा था। उधर से कपिलेश्वर बार बार इस क्षेत्रों पे आक्रमण करता, ये उपजाऊ भूमि वाला जो क्षेत्र था उसमें कपिलेश्वर बार बार आक्रमण करता था, ठीक है। धुआंधार आक्रमण करना शुरू किया इसके समय में, ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब आक्रमण करना शुरू हो गया, ठीक है, और 1454 में उड़ीसा की सेना रामेश्वर तक जीत लिया। रामेश्वर पड़ता है यहाँ तमिलनाडु में, ठीक है, रामेश्वर। इसके जगपति की सेना ने ये पूरे के पूरे तटवर्ती इलाका से लेकर के पूरे रामेश्वर तक के क्षेत्र को इसने जीत लिया, ठीक है, जीत लिया, ठीक है, 1454 में। और इस स्थिति का फायदा उठा करके बहमनी सुल्तान, इस समय जो है बहमनी सुल्तान ने कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का जो द्वाब का क्षेत्र था उस पर कब्जा कर लिया। यानी कि ये अयोग्य शासक है, इधर से ये आक्रमण किया, इस स्थिति इधर आक्रमण किया उसको संभाल रहा है, और इसका फायदा उठाया बहमनी शासक, और उसने जो है जो द्वाब का क्षेत्र रायचूर का द्वाब, रायचूर का द्वाब पर भी क्या हो गया, कब्जा हो गया, ठीक है। रायचूर पर बहमनी शासक ने कब्जा कर लिया, ठीक है, दक्षिण में रामेश्वर तक जगपति नरेश कपिलेश्वर ने जीत लिया, ठीक है, जीत लिया। और दोनों से जो है पराजय की स्थिति में मल्लिकार्जुन की जो है 1465 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसी स्थिति में 1465 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनता है विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, 1466 में शासक बना विरूपाक्ष द्वितीय, विरूपाक्ष द्वितीय शासन में आया, ठीक है। और यह कब बना, 1465 में बना और 85 तक रहा, ठीक है, 85 तक रहा। और विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि यह संगम वंश का अंतिम शासक था, यह संगम वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। यानी कि इसके बाद संगम वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। और संगम वंश के बाद, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में नए वंश की नींव रखा गया, ठीक है, नए वंश की नींव रखा गया। तो इसके समय में किस प्रकार से, ठीक है, संगम वंश की समाप्ति हुई, कैसे संगम वंश का अंत हो गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है, पूरी तरीके से समझ में आता है, ठीक है, और कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आता है तो आप लोगों की क्लास कंटिन्यूअस तो चलती ही रहेगी, मिडिवल हिस्ट्री की क्लास। फिर मिडिवल हिस्ट्री खत्म होगा तो मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये क्लास जो आपका आगे चलता रहेगा और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और कहीं कहीं बेहतर तरीके से हम हमेशा प्रयास करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन पीसीएस लेवल से किसी भी एग्जाम में न छूटे, ठीक है, ये हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है, और हर मुद्दे को उठाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग इसकी, हाँ, किसी भी, आप अगर किसी भी पीसीएस का एग्जाम दें या बीपीएससी का स्पेशल एग्जाम दें, पहले उसका सिलेबस के अनुसार जरूर चलिए, ठीक है, उसकी सिलेबस के अनुसार जरूर चलिए। हमेशा प्रयास कीजिए कि पहले सिलेबस कवर कीजिए, और जब तक सिलेबस कवर ना हो तब तक सिलेबस में लगे रहिए, ठीक है, जब तक सिलेबस कवर ना हो सिलेबस में लगे रहना है। और जब सिलेबस मजबूती से कवर हो जाए फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है, और फिर टेस्ट में अपना बेहतर प्रदर्शन आपका होने लगे फिर आप जो है अटेम्प्ट लेना प्रयास, वो अटेम्प्ट लेने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये तैयारी बेहतर होती है, ठीक है,
चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन आपका हो चुका है, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या बीपीएससी रहे या यूपीएससी रहे या किसी भी पीसीएस में जाना चाहते हैं, और अगर आपका पेपर आर्ट्स है तब तो और बेहतर है, साइंस है तो भी बेहतर है, लेकिन आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और बीएससी है तो आप लोग मतलब जीएस पेपर में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और जिनका आर्ट्स है तो वो तो खुद ही पढ़े करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी उनको पढ़ना ही है इसे भी आर्ट्स पेपर में, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा तो वहीं से अगर ध्यान दे दीजिएगा तो ग्रेजुएशन होते होते आपका जीएस पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप पीसीएस को अच्छी तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, इसका नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, जो टॉपिक को पढ़िए उसका नोट्स बनाइए, उसका बुक में ऑथेंटिक बुक में अध्ययन कीजिए। जैसे मिडिवल हिस्ट्री में हम कई सारा बुक बता चुके हैं, ठीक है, हरिश्चंद्र वर्मा का सबसे बेहतर बुक है, प्लस में एनसीईआरटी है उसको पढ़िए। हाँ, वो तब समझ में आएगा जब आप मेरी क्लास कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इससे आगे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।